बड़ों को प्रणाम, बच्चों को प्यार, आप सबको नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप बिल्कुल अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज साथियों हम जो जानकारी लेने वाले हैं, अगर आप नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज लेक्चरर बनने की आशा रखते हैं आप, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, PhD करना चाहते हो, तो साथियों उसके लिए एक महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होता है UGC नेट का, जिसके लिए साथियों आज एक महत्वपूर्ण पुस्तक इतिहास से संबंधित है, इसका रिव्यू हम करने वाले हैं, इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इस पुस्तक के बारे में जानकारी लेने से पहले, इस पुस्तक का रिव्यू करने से पहले साथियों, मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, जो आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। ये तो साथियों इतिहास नेट से संबंधित है। अब साथियों आप अगर ये जो IAS टॉपर्स नोट्स है, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं वो जानकारी चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें, और इनका रिव्यू, जितनी पुस्तक अब दिखा रहा हूं इनका रिव्यू किया जा चुका है, आप हमारे चैनल पर जरूर विजिट कीजिए। अब साथियों सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप नेट JRF करना चाहते हो तो उसके लिए इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक में आपको उसका रिव्यू करने वाला हूं। इससे पहले साथियों अगर राजस्थान का इतिहास, जो कि गोपीनाथ शर्मा की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसका रिव्यू मेरे द्वारा इसी चैनल पर किया जा चुका है, यह भी राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, यह डॉक्टर हुकुमचंद जैन की काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको भी आप पढ़ सकते हो साथियों। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष है, इसका रिव्यू किया जा चुका है। उसके बाद में साथियों आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम, इस पुस्तक का रिव्यू भी किया जा चुका है। आशा करता हूं इनका रिव्यू आपने जरूर देखा होगा। विपिन चंद्र, जो कि साथियों आधुनिक भारत का इतिहास है, इसका भी रिव्यू इस चैनल पर आपको मिल जाएगा, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। ये है साथियों NCERT सार महेश कुमार वर्णवाल की, काफ़ी महत्वपूर्ण और विश्वसनीय गाइड है, इसको आप जरूर पढ़ें, और इस पुस्तक में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है वो भी आपको रिव्यू मिल जाएगा, प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिए। विश्व का इतिहास NCERT सार महेश कुमार वर्णवाल की, किरण पब्लिकेशन भारतीय इतिहास, ये भी एक महत्वपूर्ण गाइड है साथियों। उसके बाद में साथियों MCQs प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण MCQs दिए गए हैं, भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति दृष्टि IAS की ये पुस्तक है, जिसमें 2300 प्लस महत्वपूर्ण MCQs दिए गए, काफ़ी विस्तार के साथ समझाया गया है। कला एवं संस्कृति दृष्टि IAS की काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, और इसके अंदर साथियों यहाँ पर काफ़ी विस्तार के साथ समझाया गया है प्रत्येक टॉपिक को, तो उसका रिव्यू देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हो। ये साथियों IAS के जो टॉपर्स नोट्स है, इनके बारे में भी पूरी जानकारी आपको इनका रिव्यू किया जा चुका है, उनमें देख सकते हो। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय गाइड है साथियों, ये है आधुनिक विश्व का इतिहास। अगर आप विश्व के इतिहास में रुचि रखते हो, और अगर आप रुचि नहीं भी रखते हो और आपके सिलेबस में है, तो साथियों आपको रुचि रखनी पड़ेगी, तो उसके लिए साथियों ये बहुत ही प्यारी और विश्वसनीय गाइड है, इसको भी पढ़ सकते हो। इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए अगर ये जानकारी चाहिए तो आप इसका रिव्यू भी देख सकते हो। स्टूडेंट और टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है साथियों, जब तक हम टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे, समय का सही तरीके से सदुपयोग नहीं करेंगे, तब तक एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिल सकती, इसलिए साथियों आप इनका रिव्यू जरूर देख लीजिए। अब साथियों ये इतिहास की जो पुस्तक है, इसका रिव्यू करने जा रहे हैं, और इस वीडियो के एंड में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में जानकारी दूंगा, जो किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। और ये कब संभव होगा, जब आप अपने सिलेबस को देखेंगे, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए, उसके बाद रिवीजन करते रहिए साथियों। आपको सफल होने से इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, अगर आपने ठान लिया तो साथियों आप जरूर विजेता होंगे, यानी आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब साथियों UGC नेट JRF का अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो वहाँ पर साथियों मैं इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस पुस्तक के रिव्यू के माध्यम से देने वाला हूँ। सबसे पहले साथियों यहाँ पर आपको मिलेगा प्राचीन भारत का इतिहास, उसके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है साथियों। ये अरियंत पब्लिकेशन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय गाइड है, जिसके अंदर साथियों इतिहास नेट JRF से संबंधित जानकारी दी गई है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी दी गई, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल के बारे में जानकारी दी गई, महाजनपद
के बारे में, मगध साम्राज्य का उदय, इसके बारे में जानकारी दी गई। जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी गई है साथियों इस पुस्तक के अंदर। मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, संगम युग और साम्राज्यवादी जो गुप्त काल है उसके बारे में भी जानकारी इस पुस्तक में आपको मिल जाएगी। उसके बाद में साथियों गुप्तोत्तर काल है, पूर्व मध्यकालीन भारत है, पूर्व मध्यकालीन के साथ साथ आपको दक्षिण भारत के बारे में भी जानकारी मिलेगी। खंड ख के अंदर साथियों मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जिसमें मध्यकालीन ऐतिहासिक स्रोत, जिसमें साथियों सिक्का, मुगलकालीन जो स्थापत्य कला साहित्य है, साहित्यिक स्रोत है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई। विदेशी विवरण के बारे में जानकारी दी गई, दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी दी गई, राजनीतिक विकास, सल्तनत का प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, विजयनगर साम्राज्य और ब्राह्मणी साम्राज्य के बारे में जानकारी दी गई साथियों, मुगल साम्राज्य जिसके अंदर साथियों बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर, इनके बारे में पूरी जानकारी आपको विस्तार के साथ मिलेगी। मुगल साम्राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद में साथियों यहां पर मध्यकालीन आर्थिक पक्ष के बारे में जानकारी दी गई है, मराठा आंदोलन के बारे में जानकारी दी गई है साथियों, सामाजिक धार्मिक आंदोलन के बारे में इस पुस्तक में विस्तृत जानकारी दी गई है, मध्यकालीन समाज जिसके बारे में भी विस्तार के साथ जानकारी दी गई है, आधुनिक भारतीय इतिहास जिसमें साथियों ऐतिहासिक स्रोत, जिसमें पुरालेख सामग्री है, आधुनिक विश्व में जितने भी जानकारी आपको होनी चाहिए, चाहे आधुनिक विश्व का इतिहास हो, आधुनिक भारत का इतिहास हो, मध्यकालीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास हो, पूरी जानकारी आपको इस पुस्तक में मिलेगी। ब्रिटिश शक्ति का जो उदय है उसके बारे में जानकारी दी गई, जिसमें साथियों पुर्तगाली, डच और ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी, इन सब कंपनियों के बारे में पूरी जानकारी दी गई। कंपनियों का क्राउन प्रशासन के बारे में जानकारी दी गई, ब्रिटिश कालीन आर्थिक विकास और उसका इतिहास, इसके बारे में जानकारी दी गई। उसके बाद में साथियों भारतीय समाज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जानकारी दी गई, भारतीय राज्यों का एकीकरण उसके बारे में इस पुस्तक में जानकारी दी गई, इतिहास के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको होनी चाहिए वो जानकारी इसमें पूरी दी गई है, और नेट JR पेपर प्रथम के बारे में अगर जानकारी चाहिए तब भी आपको जानकारी मिलेगी, आप कमेंट जरूर कीजिए। सेकंड पेपर इतिहास का अगर आपके सिलेबस में है तब भी आप जरूर लिखिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों, काफ़ी विस्तार के साथ प्रत्येक टॉपिक को दिया गया है और प्रैक्टिस सेट भी इसमें दिया गया है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय गाइड है। अब साथियों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दूसरे भाई बहनों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपके पास जितनी पुस्तक मैंने दिखाई है इनमें से कौन सी पुस्तक है, या फिर इतिहास की कोई एक पुस्तक आप खरीदना चाहते हो तो किसे खरीदना चाहोगे वो भी जानकारी मिलेगी। सामान्य ज्ञान विवाह पुस्तक, इसका भी आप रिविज़न के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हो। ल्यूसेंट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण गाइड है साथियों, और दिशा पब्लिकेशन 10,000 प्लस महत्वपूर्ण MCQs इस गाइड में दिए गए हैं, इनका भी रिवीजन कीजिए। ये लेटेस्ट वर्जन है साथियों 2021 का। उसके बाद में साथियों आप यहाँ पर देखेंगे एक है सामान्य अध्ययन 2021 मनोहर पांडे, इस पुस्तक का रिव्यू भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। काफ़ी बड़ी पुस्तक है लेकिन साथियों आपको सफलता भी बहुत ही बड़ी दिलाने वाली है, इसलिए साथियों लगे रहिए एक नए जोश नई उम्मीद के साथ। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगा आपसे, तब तक आप रिविज़न करते रहिए और चैनल पर अगर पहली बार है तो साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, इससे मुझे ऊर्जा मिलती है, मुझे एनर्जी मिलती है आप तक इस प्रकार के वीडियो पहुंचाने के लिए। तो साथियों हमारी ऊर्जा का स्रोत आप जो इस वक्त वीडियो देख रहे हो वही हो, इसलिए साथियों लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिए। तब तक साथियों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।